हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने अपना मैथमेटिक्स का टेस्ट पूरा किया और अब चेक करने का टाइम आ गया है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। जिन बच्चों के क्वेश्चन ठीक भी नहीं हुए उनके सामने यहाँ पर डिस्कशन है उन क्वेश्चंस का सलूशन का, ताकि आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर वन था, ये इसमें ये लिखा हुआ था साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। तो यहाँ इसको सॉल्व करके हमें टू लाने के लिए पूरी इक्वेशन को एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। कौन सा एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट? आप देखिए, आपके सामने लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्टली आप यहाँ पर इसको ए और इसको बी एज्यूम करके इक्वेशन बनाइए। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी। जो ये पहला पार्ट है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब है, इसकी इक्वेशन क्या बन रही है, देखिए साइन ए प्लस कॉस ए। बिल्कुल इसको फॉलो करिए, देखिए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दूसरा अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए आ जाएगा क्योंकि ये जो लिखा ही हुआ है एज इट इज। प्लस देखिए ये वाला प्लस लगा हुआ है यहाँ पर। अब उसके बाद आप देखिए एक क्यूब माइनस बी क्यूब के रिलेशन से देखें तो साइन ए माइनस कॉस ए आएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये तो साइन ए माइनस कॉस ए है दैट इज लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, तो इस दोनों की जगह तो वन आ जाएगा, यहाँ पर भी वन आ जाएगा। तो हमारे सामने इक्वेशंस क्या बनेंगी, और साथ में देखिए ये साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, ये तो हट गया, तो वन यहाँ पे वन आएगा माइनस साइन ए कॉस ए, और प्लस प्लस ये वाला साइन लगा हुआ है वन प्लस साइन ए कॉस ए। तो आप देखें इसमें माइनस साइन ए कॉस ए और प्लस साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग बचेगा वन प्लस वन यानी कि टू। एल एच एस से आपने शुरू किया और आर एच एस को प्रूफ कर दिया। ये अब देखते हैं आंसर नंबर टू क्या है। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर टू का सलूशन देख लें। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो था इसके हमने एलएचएस पार्ट को ले लिया, और देखिए एलएचएस पार्ट को लिखा टेन थीटा एज इट इज। अब देखिए यहाँ साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा है, और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इन दोनों में से साइन थीटा को कॉमन निकाला जा सकता है। तो साइन थीटा को आपने कॉमन निकाल दिया, अब ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाला पार्ट स्क्वायर रह जाएगा यहाँ, प्लस कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया क्योंकि यहां से भी साइन थीटा कॉमन आ गया। देखिए ये साइन थीटा कॉमन आ गया, अब यहां पे कॉस थीटा को एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, तो आपने यहां वन लिख दिया, तो ये बन गया टेन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी टेन थीटा होता है, तो दोनों कैंसिल हो गए और रिजल्ट आ गया वन, और इस तरह से आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। चलिए अब देखते थे आइडेंटिटी नंबर थ्री का आंसर। जो क्वेश्चन नंबर थ्री का सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री जो था आपके सामने, इसमें हम एलएचएस को लेके प्रूफ करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए से शुरू किया। ध्यान दीजिए यहां पर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के रिलेशन में हमने एलसीएम ले लिया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो देखिए जब एलसीएम लिया तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर। आई थिंक ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी क्योंकि कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होंगे तो साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कैंसिल होंगे तो कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमको एक एलजेब्रिक आइडेंटिटी लगानी है। हमारे सामने फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसमें देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलग कर लीजिए तो ये बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। इस लॉजिक का यूज यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो कंपेरिजन में लीजिए तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर ये आ गया। अब ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए है, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए है, तो माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, एंड होल अपॉन था कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू होती है वन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की, तो लिख दिया वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब इसको अलग अलग कर लीजिए डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में, एलसीएम का जो तरीका होता है, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए आएगा, और देखिए यहाँ पे टू साइन स्क्वायर ए अपॉन टू अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा रिमेनिंग माइनस टू। तो देखिए आपके सामने वही
पार्ट आ गया आर एच एस का, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस टू, और ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन फोर का आंसर। तो अब देख लेते हैं आंसर नंबर फोर। तो देखिए इसमें एल एच एस को लेके हम सॉल्व करेंगे फिर से। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है sec थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा। इसमें देखिए क्या किया, इसमें ये sec थीटा और टेन थीटा को एक तरफ लिख लिया। तो देखिए sec थीटा प्लस टेन थीटा लिख लिया। अब देखिए ये प्लस का साइन लगाया और वन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया इन प्लेस ऑफ वन। नीचे एज इट इज लिखा रहने दिया sec थीटा प्लस वन माइनस टेन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको अप्लाई कर दीजिए। तो ये तो एज इट इज लिखा sec थीटा प्लस टेन थीटा प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी का लॉजिक लगाया, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखें आप यहाँ पे ये कॉमन हो गया sec थीटा प्लस टेन थीटा, इसको बाहर निकाल लिया। तो देखिए sec थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आया वन, क्योंकि यहाँ वन बचेगा, प्लस sec थीटा माइनस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में भी sec थीटा प्लस वन माइनस टेन थीटा। तो ध्यान से देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग बचा sec थीटा प्लस टेन थीटा। अगले स्टेप में हमने sec थीटा को लिख दिया वन अपॉन cos थीटा और tan थीटा को लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। LCM लिया, लीजिए आंसर आ गया वन प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। यही हमको प्रूफ करना था, तो LHS RHS प्रूफ हो गए। अब देख लेते हैं आंसर नंबर फाइव। तो बच्चों आंसर नंबर फाइव को डिस्कस कर लें। तो देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन था वो था cos स्क्वायर 26 प्लस cos 64 इंटू साइन 26 प्लस टेन 36 अपॉन कॉट 54। और जैसा कि हम जानते हैं 90 माइनस थीटा का लॉजिक लगेगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर 26 एज इट इज लिख लिया प्लस, अब देखिए कॉस 64, तो 64 को आप ध्यान से देखिए, तो 64 और 26 का सम 90 होता है, तो कॉस तो ऐसे ही लिखा और ये 64 को वी कैन राइट 90 माइनस 26, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 माइनस 26 लिख दिया। देखिए लॉजिक पकड़िएगा, साइन 26 ऐसे ही छोड़ दिया, फिर देखिए टेन 36 और नीचे कॉट 54 और 36 का सम 90 होता है, तो नीचे कॉट लिखा और 90 माइनस 30 नो प्रॉब्लम, 90 माइनस 36 लिख सकते हैं 54 को। तो देखिए उससे क्या फायदा हुआ, कॉस स्क्वायर 26 तो एज इट इज है, अब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये बन गया कॉस 90 माइनस 26 मीन्स साइन 26, और ये पहले से साइन 26 था, तो देखिए स्क्वायर में आ जाएगा ये, प्लस टेन 36 तो एज इट इज था और कॉस 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो कॉट 90 माइनस 36 क्या बनेगा टेन 36, तो देखिए ये दोनों कैंसिल होके वन आ जाएगा और ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 26 प्लस वन, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का लॉजिक वन होता है, तो वन प्लस वन यानी कि आंसर आ जाएगा टू। तो इस तरह से क्वेश्चन फाइव का आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन सिक्स को डिस्कस कर लें। जो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सोल्यूशन देख लें, तो देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें हम LHS पार्ट को लेंगे और इसमें रेशनलाइजेशन का मेथड लगाएंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, ये एज इट इज लिखा, इन टू स्क्वायर रूट वन माइनस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए से रेशनलाइज कर दिया, तो क्या होगा ये वन माइनस साइन ए वन माइनस साइन ए, तो ये स्क्वायर रूट पूरे पे लगाया और वन माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन ये ए प्लस बी ए माइनस बी का रिजल्ट, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, इस पूरे पे स्क्वायर रूट है। अब देखिए क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, तो ये बन गया वन माइनस साइन ए, और नीचे इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, तो स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर ए, यहाँ स्क्वायर रूट है अभी, अब इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो वन अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और वन अपॉन कॉस ए से आ गया sec ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए से आ गया टेन ए, तो sec ए माइनस टेन ए आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई। चलिए देखते हैं आंसर नंबर सेवन। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन का सॉल्यूशन देखिए, तो क्वेश्चन जो था इसमें हम LHS पार्ट को लेके करेंगे। तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए में वन प्लस टेन स्क्वायर ए को हम sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, प्लस देखिए लगाया, फिर वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए को cot स्क्वायर ए लिख दिया। अब देखिए ये sec स्क्वायर ए प्लस और वन प्लस cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए, तो हमारे सामने ये इतनी छोटी सी इक्वेशन हो गई। अब इसमें sec स्क्वायर ए को वन अपॉन cos स्क्वायर ए लिखा प्लस cosec स्क्वायर ए को वन अपॉन sin स्क्वायर ए लिखा, और इसका LCM ले लिया अगले स्टेप में cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए, तो देखिए cos स्क्वायर ए हटे, तो ये sin स्क्वायर ए प्लस सिमिलरली यहाँ cos स्क्वायर ए आ गया, और वी नो इसकी वैल्यू वन होती है, तो वन अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए में अब क्या किया cos स्क्वायर ए की जगह लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि वहाँ पावर फोर लाना था,
तो बस अब इसको मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया RHS का 1/sin²a - sin⁴a, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें, क्वेश्चन नंबर एट का सोल्यूशन समझ लें। तो देखिए ये जरा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 1 cos θ + sin θ² / 1 sin θ + cos θ का हमने LHS पार्ट ले लिया। अब देखिए क्या किया, ध्यान से देखिएगा, हमने ये 1 + sin θ को एक ब्रैकेट में लिख लिया, -cos θ अलग लिख दिया, ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 + sin θ एक साथ लिखा और cos θ अलग लिख दिया। देखिए स्मॉल ब्रैकेट और ये लार्जर ब्रैकेट, और दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया। तो देखिए ये a - b² ये a + b² ये लॉजिक लगा दीजिए। तो देखिए ये अभी सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही लिखा 1 + sin θ² यानी कि a² + b² यानी कि cos²θ - 2ab, तो 2 1 + sin θ cos θ आ गया। यहाँ ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और नीचे देखिए ये a + b² का फॉर्मूला है, तो 1 + sin θ² + cos²θ + 2 1 + sin θ × cos θ ये बना। अब हम इस पार्ट का एक्सपेंशन करेंगे, तो ये a² + b² + 2ab का लॉजिक लगेगा। तो देखिए लगा दीजिए, तो 1 + sin²θ + 2 sin θ ये न्यूमरेटर वाला पार्ट, बाकी तो एज इट इज लिख दिया। ये डिनोमिनेटर में देखिए 1 + sin θ के रिलेशन, होल स्क्वायर के रिलेशन में 1 + sin²θ + 2 sin θ, और बाकी सारा डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा हुआ है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। उसके बाद बच्चों क्या किया, हमने 2 + 2 sin θ - 2 cos θ ब्रैकेट में लिख लिया, 1 - sin θ उस इक्वेशन से न्यूमरेटर में, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी देखिए वही काम किया, 2 + 2 sin θ + 2 cos θ ब्रैकेट में 1 - sin θ, क्योंकि sin² + cos² का रिलेशन 1 होता है, तो 1 + 2 2 हो रहा था, तो इससे ये रिलेशन बन गया। अब आप देखिए, तो यहाँ 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 1 + sin θ - 2 cos θ ब्रैकेट में 1 + sin θ एज इट इज लिखा है। यहाँ भी ऐसे ही किया, देखिए 2 कॉमन निकाल लिया, तो 1 + sin θ, और ये एज इट इज है। अब आप देखिए, तो यहाँ पे 2 दोनों जगह कॉमन है, और देखिए 1 + sin θ दोनों जगह कॉमन है, तो देखिए बस यही किया, 2 ब्रैकेट में 1 + sin θ पूरे में से कॉमन निकाला, तो ये बन गया 1 - cos θ। डिनोमिनेटर में देखिए, तो 2 1 + sin θ कॉमन निकाला, तो रिमेनिंग आ गया 1 - cos θ, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और आंसर हमारा प्रूव हो गया 1 - cos θ / 1 + cos θ। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपने ये 8 क्वेश्चन के सोल्यूशन समझ लिए। अगर आपके 40 मार्क्स आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आए हैं तो आज आप ये 8 नई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सीख गए, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करिएगा नेक्स्ट संडे को। थैंक यू।